भीम सिंह दोबारा मीटिंग लेने नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा दिमाग ये लगाना है कि सुरेंद्र सिंह जी की जो लीड है वो यहीं से कैसे तोड़ी जावे, वो कौन तोड़ेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए मुद्दा है। दो चुनाव कुंभलगढ़ हार गया है, तीसरी बार कैसे बेड़ा पार लगेगा? ये गहलोत साहब की सरकार योजनाएं लेके आई है। वास्तविकता में ग्राउंड की रिपोर्ट यह भी है कि कार्यकर्ता कहता है कि हमारी अनदेखी लगातार हुई है, नाराज तो है कार्यकर्ता। ये बात सच्चाई है, सुरेंद्र सिंह जी भी कद्दावर नेता है, वो मंत्री रहे हुए हैं, वो इतनी बार के MLA हैं, तो इतना हम उनको लाइटली नहीं ले सकते। देखो चार बार नाम बोला है, मैं दिखूंगा। न तो कोई दिलीप सिंह राव होते हैं, न भीम सिंह होते हैं, वहाँ से सीधा सिंबल जो आता है, सबको मिलकर के वहाँ काम करना पड़ता है। कांग्रेस के सभी नेताओं के मन में एक डर बहुत जोरदार है कि हम कितना भी कर ले, लोग कह रहे हैं ये सब मोदी जी कर रहे हैं। लोगों का जो वास्तविक काम है वो काम कार्यकर्ताओं के भी नहीं हो रहे हैं, जब तो दूसरों का क्या करा पाएंगे। चार विधानसभा है, दो में कांग्रेस जीती हुई, दो में भाजपा जीती हुई है, तो DMFT का सारा पैसा कांग्रेस में चला देता है। कुंभलगढ़ सीट में तो इतना कहा जा रहा है, नहीं आ रहा ना कुंभलगढ़ में, आप आने नहीं दे रहे हो ना। अब हकीकत बात तो क्या है, सीएम साहब तक पहुंचे ही नहीं तो वो उनका निपटारा होगा कैसे? भीम सिंह जी कुंभलगढ़ से दावेदार, फिर तो रिपीट हो रहा मेरा जो आंकलन है उस। नमस्कार, कांग्रेस चुनावी मोड में है और ज्यादा दमखम वहां लगा रही है जहां पर पिछले चुनाव जीत नहीं पाई। राजसमंद की बात करें तो राजसमंद विधानसभा के साथ साथ कुंभलगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां से लगातार दो बार से कांग्रेस हार रही है। तो ऐसे में आज मैं उसी कुंभलगढ़ आमेट विधानसभा के आमेट क्षेत्र में खड़ा हूँ। कांग्रेस की एक बड़ी बैठक यहाँ हुई है अभी, और कोशिश ये की जा रही है कि कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का मंत्र फूके, अलग अलग दावेदारों को ये कहे कि भैया सभी को मिलजुल के लड़ना है, जिसको भी पार्टी मौका देगी उसको साथ में आके लड़ना है, और ये सब काम करने के लिए जिनको जिम्मेदारियाँ दी जाती है वो प्रभारी वो पर्यवेक्षक सभी अपना पुरजोर समय यहाँ लगा रहे हैं। उसी में से एक चेहरा होता है भीम सिंह जी, जो कि कुंभलगढ़ आमेट विधानसभा के प्रभारी भी हैं, प्रदेश में भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी आपको दी है कि दो चुनाव कुंभलगढ़ हार गया है, तीसरी बार कैसे बेड़ा पार लगेगा? देखिए, हमारे को वैसे चुनाव का जो प्रबंधन है उसको करने का अनुभव तो है वैसे जी। हमारा काम तो सिर्फ इतना है कि किस तरह से बूथ पे हमारी कांग्रेस की मजबूती होवे, किस तरह से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको घर घर जा कर के समझाया जावे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी जो योजनाएं लेकर के आए हैं, उन योजनाओं को हम लोगों को समझावें कि इन योजनाओं का लाभ आपको किस तरीके से लेना है, और आपको कोई भ्रमित करे तो उससे भ्रमित नहीं होना है आपको। और वास्तव में मैं दो दिन से कांग्रेस को कवर कर रहा हूँ जी, राजसमंद में भी किया, अमेठी में। कांग्रेस के सभी नेताओं के मन में एक डर बहुत जोरदार है कि हम कितना भी कर ले, लोग कह रहे हैं ये सब मोदी जी कर रहे हैं। नहीं, उसी चीज़ को हम लोगों तक ये पहुंचाने के लिए आए हैं कि हमारा क्या है कि कांग्रेस में एक इस चीज़ की वास्तव में हम मानेंगे कमजोरी कि हमारे लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं और किसी के साथ फ्रेब नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा बीजेपी का है कि उन लोगों में बोलने की झूठ बोलने की उनकी जो आदत है, तो झूठ बोलने की क्लासें वाला से चालू करावे कांग्रेस वालों के, क्या करें हम? कांग्रेस को झूठ बोलने की जरूरत नहीं, हम ये कह रहे हैं कि तर्क नहीं हुआ ना कि वो झूठ बोल लेते, हम नहीं बोल पाते। झूठ ऐसे बोल लेते हैं कि योजनाएं अपनी बता देंगे वो, आप अपनी नहीं बता रहे हो ना, कि आप ये नहीं कह रहे हो कि गहलोत साहब हमारे हैं। अरे तो हम ये चीज यहाँ कह रहे हैं ना, सब सम्मेलन इसी बात के हो रहे हैं कि आप घर घर जाकर के सभी कार्यकर्ताओं को ये समझाना है कि ये गहलोत साहब की सरकार योजनाएं लेके आई है, इन योजनाओं को जो आज लोगों के जो नहीं ले पा रहे हैं इनकी सुविधा है उनको भी हम ये बता रहे हैं आप ले। आपको बताता हूँ भीम सिंह जी कि आप लोग बड़ी बड़ी मीटिंगें भी कर रहे हैं, सभी कोशिशें भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं के सम्मेलन है, कोशिश कर रहे हो मंच से भाषण के माध्यम से कि कार्यकर्ताओं को एहसास दिलाए कि भैया आप हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो, आप देवतुल्य हो, क्योंकि चुनाव आए हुए हैं। वास्तविकता में ग्राउंड की रिपोर्ट यह भी है कि कार्यकर्ता कहता है कि हमारी अनदेखी लगातार हुई है, नाराज तो है कार्यकर्ता। ये बात सच्चाई है, कुंभलगढ़ में थोड़ा सा इस चीज़ को मेरे को देखने को मिला है। देखो, अब इस चीज़ को हम दूर करेंगे, कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी है, जिन लोगों का जो वास्तविक काम है वो काम कार्यकर्ताओं के भी नहीं हो रहे हैं, जब तो दूसरों का क्या करा पाएंगे। तो ये चीज़ें हम उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, सब चीज़ें मेरे से ऊपर ये टोक्यो जी आए हुए हैं हमारे AICC से, ये सब बातें CM साहब तक पहुँचाएँगे। अब हकीकत बात तो क्या है, CM साहब तक पहुँचे ही नहीं तो वो उनका निपटारा होगा कैसे, बताओ। अब कुंभलगढ़ के क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, कुंभलगढ़ के मैं दावेदार अगर गिनूं कांग्रेस के तो कैलाश मेवाड़ा का नाम निकल कर आता है, सूरज सिंह जी का नाम निकल कर आता है, गणेश सिंह जी का भी आता है, योगेंद्र सिंह परमार भी आते हैं, वैभव उपाध्याय, दिलीप सिंह राव, उसमें भीम सिंह चुंडावत भी जोड़ूं कि नहीं जोड़ूं? नहीं नहीं भैया, हमारे यहाँ पे पार्टी का जो आदेश होता है ना, न तो कोई दिलीप सिंह राव होते हैं न भीम सिंह होते हैं, वहाँ से सीधा सिंबल जो आता है, सबको मिलकर के वहाँ काम करना पड़ता है।
दबे खानों चर्चा ये भी है कि वल्लभ नगर से आप दावेदारी लगातार करते रहे, अवसर नहीं मिला, तो इस बार हो सकता है कि कहीं कुंभलगढ़ के इन जिलों में थोड़ा सा अपना भी तो जमा दिया जाए। मेरी बात सुनो, मुझे पार्टी जो आदेश देती है आज तक मैं वो काम करके आया हूँ और उसमें हमेशा फतेह हुई है हमारी। इसलिए मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मुझे MLA लड़ने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को देख करके उनसे प्रभावित हूँ मैं, और किसी से प्रभावित नहीं। मुझे कोई पद वद की जरूरत नहीं, मैं बिगर पद भी अपना काम चला लेता हूँ। दावेदार हैं और दावेदार सारे के सारे कुंभलगढ़ में, एक जरूर मानना पड़ेगा कांग्रेस के जितने भी नाम है सब कद्दावर नाम है, अपना अलग अलग सब प्रभाव रखते हैं, तो ऐसे में इनमें संतुलन बिठाना मुश्किल काम तो दे दिया पार्टी ने आपको। काम बड़ा मुश्किल है लेकिन मैं सोचता हूँ कि हल इसका निकल जाएगा। मतलब ज्यादा जिन रस्तों से मैं गुजर के आया हूँ उससे मुझे रास्ता कोई बारीक नहीं नजर आ रहा है, इसलिए ये रास्ता आसान है, निकल जाएगा, हो जाएगा काम। हाँ, हो जाएगा इस बार, लगता है। भाजपा कह रही है हमारी हैट्रिक लगना तय है कुंभलगढ़ में। देखो वो तो पार्टी ऐसी बात नहीं, सुरेंद्र सिंह जी भी कद्दावर नेता है, वो मंत्री रहे हुए हैं, वो इतनी बार के MLA हैं, तो इतना हम उनको लाइटली नहीं ले सकते। देखो तो क्योंकि उनकी इक्वेशन ऐसी बैठती है कि वो 20,000 की लीड आमेट से और इस एरिया से लेके जाते हैं तो कुंभलगढ़ जाते हैं। इस बार तो आपके दो दावेदार तो इस शर्त पे टिकट मांग रहे हैं, दिलीप सिंह जी और कैलाश मेवाड़ा, तो कही ये रहे हैं कि भैया हमको टिकट दो, हम यहीं उनको टक्कर दे देंगे। देखो मेरी बात सुनो, कई तरह की इक्वेशन देखनी पड़ती है कार्यकर्ताओं के और उम्मीदवारों के, मांगने से टिकट नहीं मिलते हैं। जातिवाद भी देखना पड़ता है इसमें। आजकल जो मोदी जी ने जो फॉर्मूला चालू कर दिया है केंद्र सरकार ने कि जातियों को भी मिलाना पड़ता है, आजकल सब चीजें देख के फिर टिकट दिया जाता है। ऐसे नहीं, पिछड़ा उसमें भी पिछड़ा। हाँ, उसमें कितने क्या है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इसमें हमारे को सबसे बड़ा दिमाग ये लगाना है कि सुरेंद्र सिंह जी की जो लीड है वो यहीं से कैसे तोड़ी जाए, वो कौन तोड़ेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए मुद्दा है। आपके फेवरेट नेता राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का असर कुछ दिखेगा? अरे क्यों नहीं दिख रहा, आज अभी पब्लिक देखो चुनाव में, इस चुनाव में दिखेगा क्या? बिल्कुल 100% दिखेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। लोगों का अब इतना इनके प्रति ये हो गया कि हमारा मीडिया में राहुल जी का इन्होंने बंद कर दिया दिखाना, क्योंकि मीडिया का आप जान लो सब नाम, चार बार नाम बोला है, मैं दिखूंगा। हाँ, मैं नहीं काटूंगा। नहीं, नहीं। आप मीडिया के लिए बोलो। अरे मेरी बात सुनो, मैं मीडिया के लिए बोल रहा हूँ। हाँ। मीडिया की बहुत सारी मजबूरियाँ होती है, देखो हम जानते हैं आप लोगों की भी कि आपको बहुत सारी खुद की दुकान भी चलानी पड़ती, चलानी पड़ती है। सच्चाई ये है, देखो खुल की बात है, मीडिया को अपनी दुकान चलानी पड़ती है। जब कभी कांग्रेस पावर में आएगी, जल्दी आने वाली है, उस समय हमें पता है आप हमारी दिखाने लग जाओगे। तो आज आप सेंट्रल में नहीं हो फिर भी दिखा रहा हूँ। नहीं नहीं, फिर भी स्टेट में है ना, ऐसी बात नहीं। कांग्रेस आप जब तक आप सेंट्रल में पहुंचोगे जब तक हम वहां पहुंच जाएंगे। तो अब सेंट्रल तो बाद की बात है, अभी तो स्टेट वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। नहीं, स्टेट तो रिपीट हो रहा है, मेरा जो आंकलन है उस हिसाब से। तो मतलब मैं भीम सिंह जी से बना के रखूं? नहीं, मेरे से तो बना के वैसे ही रखो आप। और 100% वापस रिपीट हो रही इस बार, ये भ्रम जो बार बार 5 साल का जो है ना टूटने ये वाला। अभी जैसे कई महिलाएं आई है, अभी ये सब BJP की अधिकतर महिलाएं थी, तो इन्होंने जो बातें कही है तो हमें, हम समझते हैं सब चीज़ को। लेकिन हकीकत ये है कि जो हमारे इन्होंने ये लगाया कि भाई हमारे हारे हुए गणेश सिंह जी हैं, ये कभी ध्यान नहीं देते हैं एरिया में, ये नहीं देखते हैं, तो उस बात को हमने उनको सीधा कहा है। हाँ, हाँ, हमने सीधा उनको कहा है कि भाई आप जो है हमारे को लिख के दो, और आपका अगर 15 दिन में उसका रिजल्ट नहीं आया तो भीम सिंह दोबारा मीटिंग लेने नहीं आएगा। मैं ये उनको ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि हकीकत में चीज़ पहुँचनी चाहिए ना। आप किसी पे कोई एलिगेशन लगाओ तो वो चीज़ तो देखो होती नहीं। और आज यहाँ जीते हुए सुरेंद्र सिंह जी हैं, तो MLA की देखो अधिकारी बहुत होशियार होते हैं, दूसरे होशियार होते हैं ना कि भाई चार विधानसभा हैं, दो में कांग्रेस जीती हुई, दो में भाजपा जीती हुई है, तो DMFT का सारा पैसा कांग्रेस में चला देता है। कुंभलगढ़ सीट में तो इतना कहाँ जा रहा है? नहीं आ रहा ना कुंभलगढ़ में, आप आने नहीं दे रहे हो ना? हम तो नहीं है, हम तो जिताया नहीं ना। हमारे वश में कभी होगा तो हम तो एक साथ पूर्ति कर देंगे, आप चिंता क्यों करो। वल्लभ नगर में पूछ लेना कैसे हुआ, हो रहा है काम? क्या वल्लभ नगर में क्या हो रहा? चलो आप, वल्लभ नगर में इतने काम हो गए आपको बताऊं कि भूतों और भविष्यों कभी हो ही नहीं सकते। वहाँ इतना पैसा आया वल्लभ नगर, रोड है वगैरह, सीमेंट है, खत्म ही हो गई। फिर अब तो प्रीति कुंवर वापस है। हाँ, वो देखो पार्टी को जो है अब ये अब की बार भाई साहब जो राहुल गांधी जी की टीम सर्वे कर रही है, अब की बार आप भी देखना क्या होता है। कर्नाटक की तर्ज पे पता भी नहीं लगेगा किसको कहाँ से टिकट आएगा, क्या होगा। जो हकीकत वास्तविक कार्यकर्ता होगा जीतने वाला, उसी को टिकट आएगा, भूल जाओ आप। चलिए अच्छे अच्छे का कट जाएगा। उससे पहले आखिर में एक बार वापस मैं मेरी संतुष्टि के लिए पूछ लेता हूँ कि भीम सिंह जी कुंभलगढ़ से दावेदार
मैं कह रहा हूँ आपको कि हमारी जो पार्टी है वो मुझे कह देगी एक पैर पे या खड़ा रहना है तो मुझे रहना है, यहाँ तो कोई वो चीज़ है ही नहीं। मुझे अभी प्रभारी लगा दिया तो मैं प्रभारी का काम कर रहा हूँ, मुझे और कोई काम सौंप देती है तो वो काम करूंगा, उसमें क्या है। पार्टी के आगे हम कुछ भी नहीं। प्रभारी जी बातें बड़ी स्पष्ट भी कर रहे हैं, जब स्पष्ट होना है तब स्पष्ट कह रहे हैं, जब गोलमोल होना है तो थोड़ा मोड़ा गोलमोल भी हो रहे हैं, मगर कुल मिलाकर बात ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की सुनने निकले हैं, कार्यकर्ताओं को समझने निकले हैं और कोशिश करेंगे कि कार्यकर्ताओं को सुन और समझ कर कुंभलगढ़ का किला फतेह करें, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को हैट्रिक लेने से रोके और कोशिश यह करें कि कांग्रेस की सरकार के जो ये वापस आने के तमाम दावे दोहराए जा रहे हैं, इन दावों में इस बार एक योगदान कुंभलगढ़ कांग्रेस का भी निकल कर आए। खैर, ये दिसंबर 2023 तक सारी चीज़ें स्पष्ट होगी। आप सभी को हर एक अपडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ राजसमंद एक्सप्रेस से जुड़े रहना है। धन्यवाद।